वर्ल्ड कप 1983 के दौरान भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले यशपाल शर्मा अब चाहे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा खेली गई पारियां और उनका एहसास अब भी लोगों के दिलों में जिंदा है। यशपाल शर्मा का निधन 13 जुलाई 2021 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। यशपाल शर्मा इंडियन टीम का अहम हिस्सा रहे। वे 1983 वर्ल्ड कप के दौरान सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज रहे थे। वे एक क्रिकेट प्लेयर होने के साथ ही कमेंटेटर, सेलेक्टर, रेफरी और कोच भी रहे थे। यशपाल शर्मा ने अपने क्रिकेट खेल के दौरान सभी फॉर्मेट में देश का नाम रोशन किया। यशपाल शर्मा का जन्म 11 अगस्त 1954 को पंजाब के लुधियाना में हुआ। वे दाहिने हाथ के बल्लेबाज होने के साथ ही मीडिया फास्ट गेंदबाज एवं विकेट कीपर के तौर पर भी मैदान में रहते थे। क्रिकेटर यशपाल शर्मा ने साल 1977 के दौरान दिलीप ट्रॉफी के लिए मैच खेलकर अपना शानदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 173 रन की पारी खेली थी और सबका ध्यान अपनी तरफ मोड़कर रख दिया। इसी पारी से ही वे नेशनल सेलेक्टर्स की नजर में आ गए थे। इसे देखते हुए यशपाल शर्मा को अक्टूबर 1978 में पाकिस्तान टूर में शामिल किया गया और वे वनडे टीम का हिस्सा बनाए गए। यही नहीं, अगस्त 1979 के दौरान ही उनका इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू भी हुआ। यशपाल शर्मा ने साल 1979 से लेकर 1983 तक इंडियन क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में खुद का नाम बनाया। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टी 10 मिलियन के आसपास है। इनके पास एक घर, कार और कई बाइक्स हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा।